थी उनकी जो वहां पर विराजती है और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती है जिन्हें नई क्रांति भारत का पूरे विश्व में की है। ऐसे परम श्रद्धे मेरे तो गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज ने आपके चरणों पर प्रणाम करना और ऐसा संयोग विधि के विधान से होता है अभिनंदन आपका खाने का चारा लिया हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ग्रास को गए थे, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने भी एक मंत्र दिया, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोले के एंड वन मोदी। लेकिन ये जो सारी चुनौतियां हैं इसका समाधान हमारी सनातन परंपरा में पहले से मौजूद है। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये भाव छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये एकत्व का भाव है। स्वामी जी मैं तो जब सोचता हूं बचपन में
पंडित जी प्रवचन करने कथा कहने आते थे और कथा समाप्त होती थी तो पंडित जी कहते थे धर्म की, हम कहते थे जय हो, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। आज भी हजारों साल पहले भारत ने कहा प्राणियों में सद्भाव, केवल मनुष्य मात्र की उसकी गहराई में जाइए आप, मैं तो अभिभूत हो जाता हूं कैसी संस्कृति है हमारी। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं, विश्व के कल्याण की कामना आज नहीं हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने की है। और एकत्व के भाव की और बात करें तो एक और श्लोक जो अद्भुत है सचमुच में, सर्वे भवन्तु सुखिना, केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुग्भाग भवेत्। कौन है दुनिया में ऐसा जिसने ये उठ के कहा हो? सबसे पहले भारत, केवल हमारा देश, हमारी संस्कृति। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण आजादी के सोचा कि भारत को प्रगति और विकास करना है तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, पश्चिम के पीछे चलो, जो अमेरिका कर रहा है वो करो, जो रूस कर रहा है वो करो। पंडित दीनदयाल जी की बात हो रही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, पश्चिम में जितनी भी विचारधाराएं, पश्चिम में राजतंत्रता राजा ईश्वर का अंश माना जाता था एक जमाने में, उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता था, राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर फ्रांस की राज क्रांति हुई, राजा या तो समाप्त कर दिए गए या उनके अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह बिल्कुल सीमित कर दिए गए। राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र आया, प्रजातंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन उसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई, कहने को तो जनता का राज था लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता थी, औद्योगिक क्रांति के बाद उनके हाथ में पूंजी भी आ गई। वर्षों में जो काम कई मजदूर मिलकर करते थे वो मिनटों में मशीनें करने लगी, गांव में लोग बेरोजगार होने लगे, शहर में कारखानों के आसपास बस गए। कारखानों में काम करते तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता, झुग्गी और झोपड़ियों में मच्छर और मक्खियों की तरह रहते, कई टीबी के शिकार होकर मरने लगे, शोषण की इंतहा हो गई। तब कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए तुम्हारे सामने सारा संसार पड़ा है। मार्क्स के शब्दों ने जैसे मजदूरों के कान में अमृत घोल दिया, उनको लगा कि नया मसीहा मिल गया। मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इस पे व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इस पे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? तो उनका ये जिनके हैं वो अपने आप तो नहीं देंगे, इसलिए उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, उनसे छीनने पड़ेंगे, और छीनने के बाद भी जिनसे छीनेंगे वो कोशिश करेंगे प्रतिक्रांति की। इसलिए जब तक प्रतिक्रांति की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। मार्क्स के शब्दों के आधार पर कई देशों में, चीन में, रूस में क्रांति हो गई, कम्युनिस्ट सरकारें बनी, लेकिन शोषण तो समाप्त हुआ नहीं, सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारे के नाम पे कुछ मुट्ठी भर लोगों की तानाशाही, और शोषण की चक्की में लोग पीसे जाने लगे। असहमत लोग साइबेरिया के यातनाग्रहों में मारे गए, और तब अमेरिका जैसे देश आए कि हमारे एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे रास्ते पर चलो। लेकिन हमने देखा अमेरिका जैसे देश भी, जिनके पास अकूत धन और दौलत के भंडार थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन सुख नाम की चिड़ैया उनके पास नहीं थी। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि जहां भारत जिस रास्ते पर चलता है, एक बार सोचो तो क्या दुनिया उस रास्ते पर चल के सुखी हुई?
कि हमारे देश में हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर, जिस रास्ते पर चलकर हम दुनिया को सुख का साधन जुटा सके या सुख का रास्ता बता सके, समस्याओं का समाधान कर सके। एक क्षण सोच के देखिए मनुष्य क्या चाहता है। दो चीज हर कोई चाहता है। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। मरना चाहते हैं कभी नहीं मरना चाहते। आमतौर पर अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे पंती की शादी तो देख ली, जरा संती की और देख ले तो महाराज, इसके बाद चलूंगा। जीना चाहते हैं, और जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। दूसरी चीज, हम सुखी जीवन चाहते हैं। और वो सुखी जीवन क्या है? तो भारत में जो कहा है स्वामी जी, जो रास्ता हमें दिखाते हैं, मनुष्य क्या है? पश्चिम ने माना मनुष्य शरीर है, हाड़ मांस का पुतला। अगर मनुष्य को सुखी करना है, शरीर को सुखी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को क्या चाहिए? भूख लगे तो भोजन दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, सोने को मकान पलंग मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, सर्दी हो तो हीटर हो, गर्मी हो तो एसी हो, चलने को गाड़ी हो, काम हो जाएगा, शरीर सुखी हो जाएगा। ये बात सही है कि शरीर है, और हमारे यहां भी कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए। वो योग के माध्यम से हो सकता है। केवल शरीर नहीं, मन और बुद्धि, बाकी सुख भी। ये स्वामी जी बोलते बोलते मैं कह रहा हूं, आपने आदेश दिया है टुकड़ों टुकड़ों में नहीं,